अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पुलिस वो आ गए। चलो अच्छा है, कभी तो सही वक्त पर पहुंची है पुलिस। नहीं, बाहर मत उतरना अभी। पीछे क्यों नहीं जा रही? क्या कर रहे हो तुम? चलो हटो हमारे रास्ते से। रास्ता? अभी तुम किसी रास्ते पर नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हर रास्ते पर खड़ा है विराज त्यागी। ये रहा रिया का प्रोफाइल। गॉड, ये तो लॉक है। सुनो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम किसी का सोशल मीडिया अकाउंट भेजे, उसका पासवर्ड और आईपी एड्रेस जल्दी ढूंढ के निकालो। एक सेकंड। हाँ, मैंने तुम्हें डिटेल भेज दिए। और सुनो, जल्दी भेजना। जाने तो हमें, हट जाओ हमारे रास्ते से। एयरपोर्ट लेके जाना है इसको। ओह, एयरपोर्ट जाना है, देर हो रही होगी ना। ठीक है, जाओ। पर तो मेरा वो कीमती सामान नहीं लेके जा सकते हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम विराज? कौन सा कीमती सामान? ये मेरी बात कर रहा। What? बीवी हूं मैं इसकी। I'm his wife. इसकी बीवी? अनु चाचा, अवधेश, संजीव, क्या हुआ? अवधेश, क्या हुआ? वाह, क्यों चीख रहे हो भाई? चीख क्यों रहे हो? अरे सब ठीक तो है ना संजीव, क्या हुआ? रिया के पति के बारे में पता चल गया। विराज, रिया का पति, मुजफ्फरपुर सदर डीएसपी विराज त्यागी है। ये देखो मानो, तो खेला खत्म नहीं, शुरू हुआ है। एक नंबर डीएसपी सबकी बैंड बजाने आया है। राजीव, विराज, Thank you.
number you are trying to call is currently not reachable. ये राजीव बाबू हमारा फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? वैसे भी पुलिस को खबर कर दी है, आने वाली होगी थोड़ी देर में, शायद आज डीएसपी को हथकड़ी लगेगी। पुलिस के एक आदमी को पुलिस की धमकी? छोटे बच्चे हो गया राजीव, कितने नादान हो तुम। तुम्हारे उस कॉल की खबर सदर मुख्यालय में मुझे भी मिल गई थी वायरलेस से, इसलिए तो मैं यहां पर आया हूं। वरना खामखा एयरपोर्ट पे मैडम की प्रतीक्षा करनी पड़ती हमें। वैसे पल पल की आपकी खबर फोन से मिलती रहती थी हमें, फोन टैप जो कर रखे थे हमने आपके। विराज विराज, वो क्या ना, हम जानते थे कि इस खेल के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, इसीलिए हमने सदर मुख्यालय नहीं जिला पुलिस मुख्यालय में इन्फॉर्म कर दिया। वहां की पुलिस आती ही होगी। पुलिस वाले पर हाथ उठाओगे? ना तो तू वर्दी में है और ना ही ड्यूटी पे, और ये कोई सरकारी नहीं, तेरा जाती मामला है। क्या बोलेगा अपने डिपार्टमेंट को? राजीव, विराज, the number you have called is currently switched off. Please try again later. इंतकाम की तुम्हारी बेशरम कोशिश नाकाम हो चुकी है विराज, ना ही इसको चोट पहुंचाने देंगे और ना ही तुम्हें इसे तकलीफ देने देंगे। अब फोन बंद हो गया है। हे बोले बाबा, सब ठीक हो, राजीव बाबू पर अपना कृपा बनाए रखो। ये राजीव नहीं आया अभी तक, आता ही होगा। मौसी जी ये को लेंगे? नहीं, लाइए भाभी, मैं सब कर देती हूँ। थंकू। ओ काई के नाम कोई वो काम है, हम आते हैं। एट थर्टी की फ्लाइट थी, अब तक तो दादा को आ जाना चाहिए था। अब क्या पता फ्लाइट में बैठी भी कि नहीं, रिश्ता ही इतना गहरा था, हो सकता है उड़ने का जी ही ना किया। जैसे कि अपना प्यार, बरसों लौ जलती रही, धुंधली हुई पर बुझी नहीं, और आखिर में साथ हो ही गए हम, नहीं? मेरा हो गया मेरा। रुको देव, बैठो, ठीक से खाना खाओ देव, बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती हैं तुमको। और खुशबू, रिश्ता चाहे कितना भी गहरा क्यों ना, सच यही है कि कुहू राजीव की पत्नी है और राजीव की आंखों की लौ कुहू के कारण है।
सिर्फ रोशनी में नहीं, अंधेरे में भी कुहू भाभी ने दादा का साथ दिया। बिल्कुल, और ये बात हम सबको भूलनी नहीं चाहिए कि कुहू चंदेल परिवार की रक्षा कवच है। अरे फोन तो उठाइए राजीव बाबू। फोन बंद का है आ रहा बार बार। हे भोले बाबा, राजीव बाबू जहाँ है वो सुरक्षित तो है ना? राज अगर ये परिवार एक है वो भी कुहू की वजह से ही है। चंदेल परिवार की इज्जत आबरू अगर अभी तक कायम है सिर्फ कुहू की वजह से। अच्छा, और वही इज्जत आज सड़कों पर हो। इस मामले में बोलकर उसे और मत उलझाओ खुशबू, थोड़ा चुप रहना भी सीखो। इस परिवार की तकदीर का नक्शा उन शादियों से बदल गया था जो हमने मुनिया टोला में करवाई थी। देव, अगर वो शादियां नहीं हुई होती ना तो शाप की तलवार चंदेल परिवार पे लटकी होती, ये बेटे कवारे रह जाते हैं, खानदान खत्म हो जाता और खानदान आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश भी नहीं रहती। अरे रे, कोई बताए हमें खानदान बढ़ गया है क्या? हाँ प्रभा जी, नहीं ना, ये खानदान तब बढ़ता जब रिया जैसी कोई लड़की इस घर में आती, और कुहू से ऐसी उम्मीद करना फिजूल है। या फिर आप लोग इसे अपनी खुशफहमी कह सकते हैं। बस बस कीजिए आप। आपके छोटे से दिमाग में इतनी काबिलियत नहीं है जो ये समझ सके कि कुहू क्या है। कुहू ना सिर्फ इस परिवार को आगे बढ़ाएगी बल्कि इस परिवार को आबाद भी करेगी, और आप जैसे लोगों की वजह से हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये खाना तो सादा और फीका पका है, फिर इसको क्यों मिर्ची लग गई? कुहू नाम है उस मिर्ची का। राजीव बाबू, लगता है राजीव आ गया। बस अब कोई आंधी चल निकले। क्या हो गया, आप लोग वापस आ गए? ये यहाँ कैसे? मैंने हवाई जहाज था ना, तबीयत खराब हो गया। क्या हो गया? पूछ रहे हैं इसको वापस क्यों लेके आए हो तुम? क्या हुआ है इसको? आप लोग भीतर चलिए, हम बताते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है हम पर, आंधी मांगी थी, तूफान दे दिया उन्होंने। चले थे खुशबू की बोलती बंद करवाने। ये राजीव रिया को यहाँ लेकर क्यों आया, वो भी गोद में उठाकर? अब गोद में तो वही बैठता है जो दिल में होता है, चाहे बात आज की हो या अतीत की। और हम तो पहले से ही जानते थे कि एयरपोर्ट तक का ये जो सफर है ये पुराने दिनों के प्यार के शोले को भड़का ही देगा। बात क्योंकि इस मुंह से निकली तो बुरी लगी, अब सच आंखों के सामने है ना, खुद ही देख लीजिए। थैंक यू।
क्या हुआ? आप लोग वापस लौट आए? जहाज छूट गया का? बताते बात, वो घर वाले बाहर बेकार में परेशान हो रहे होंगे, मिलके आते। ये कैसे हो सकता है कि रिया विराज की बीवी है? अरे बाबा, हमको भी जानकर ताज्जुब हुआ था। वो जब हम एयरपोर्ट के रास्ते जा रहे थे तब तुम मेरा वो कीमती सामान नहीं लेके जा सकते। कौन सा कीमती सामान? ये मेरी बात कर रहा, बीवी हूं मैं इसकी। हाथ मत लगाना इसको। इंतकाम की तुम्हारी बेशरम कोशिश नाकाम हो चुकी है विराज। ना ही इसको चोट पहुंचाने देंगे और ना ही तुम्हें इसे तकलीफ देने देंगे। माने हुआ आपके पति पहुंच गए, लेकिन उनको खबर कैसे मिला? बताया था ना मैंने तुम्हें कि वो बहुत पावरफुल इंसान है। अरे अरे अरे, ऐसे हिलिए डुलिए मत, दर्द होगा आपको। आप ऐसे ही रहिए, हम अभी आते हैं। रुकिए 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 रुकिए। नहीं रहिए, अरे बाप रे, ना भूल गया। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। वो मुझे बहुत डर लग रहा है, वो आदमी बहुत बुरा है। उसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ राजीव के साथ, उसके उसके परिवार के साथ, और अब वो शांत नहीं बैठने वाला। वो कुछ तो जरूर करेगा, बहुत खतरनाक इंसान है ये विराज। जब उसको पता लग गया है कि रिया उसकी बीवी चंदेल परिवार में है, कुछ तो बवाल जरूर करेगा। बाहर का वो तूफान तो फिर भी टल जाएगा, ये जो घर के भीतर प्यार की अंधड़ चलने वाली है, इसका क्या करोगे तुम लोग? वो और राजीव के रिश्ते पर इसका क्या असर होगा, वो तो भोलेनाथ ही जाने। पर वो विराज अब वो पूरी तैयारी के साथ खुले मैदान में उतरेगा, अपने वर्तमान और पूरे अतीत के साथ। अतीत? कैसा अतीत? ए वही, हमारा और विराज का पुराना झगड़ा कॉलेज के दिनों वाला। सिर्फ वही नहीं देव बाबा, सिर्फ वही नहीं राजीव, मसला उसकी बीवी का भी है। उसकी बीवी को तुमने छत दी है, जो कभी तुम्हारी बीवी होने जा रही थी। बाबा सही कह रहे, मसला काफी उलझ गया। इसीलिए तो मैं अब तक छुपती फिर रही थी, और तुम्हें भी रोका था किसी से कुछ भी बताने से, पर अब सब कुछ सबके सामने आ गया। बस एक बात है जो मुझे सेफ महसूस कराती है। कौन सा बात महसूस? कि मैं राजीव के पास हूँ, एक पावरफुल परिवार में, वरना मेरा वो हस्बैंड जो खुद इतना डेंजरस और पावरफुल है, वो अब तक तो मुझे तबाह करती है। कुहू, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? काहे? क्योंकि मैं लौट आई और राजीव ने मेरी मदद की। अभी आप आराम कीजिए, हम अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, ठीक है? काम को सच में बुरा लगना चाहिए रिया जी के वापस आने से चंदेल भवन में। गलत है, रिया का यहाँ रहना गलत है। हाँ, लेकिन जानबूझ के तो किसी को खतरे में नहीं डाल सकते ना संजीव। अरे तुम क्यों बेवजह रिया और उसके पति के बीच में घुस रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा, और कैसा पति? अरे अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचे होते, हाथ उठाने वाला था वो अपनी पत्नी पर। हम
अब रिया तकलीफ में है, मुसीबत में है, उसका तलाक होना जरूरी है, तभी उसका पति उसका पीछा छोड़ेगा। अरे पर तलाक बेटे, ये रिया का निजी मामला है और ये सारी समस्याएं तुम अपने सर लेकर क्यों इस मुसीबत को इस घर में लेके आ रहे हो? मुसीबत? अरे जिस वक्त रिया ने इस घर में कदम रखे थे ना, मुसीबत उसी वक्त दरवाजा खोलकर भीतर आ गई थी। लेकिन हम नहीं जानते थे उस वक्त कि वो उसका पति है, लेकिन अब तो जान गए ना। और अब जब जान ही गए तो ये मानना भी पड़ेगा कि अब तो ना वो रिया का पीछा छोड़ेगा और ना ही हमारा। अरे वो उसका पति है और ये उसकी पत्नी, दोनों के बीच का मसला है, दोनों मिलकर सुलझा लेंगे ना राजीव, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? बुआ जी, उसका पति बैठकर मसलों को हल करने वालों में से नहीं है। और आज अगर रिया की जगह पे कोई और लड़की भी होती ना, तो हम यही करते जो हमने किया है। रिया को डिवोर्स करवाने के लिए हम उसकी मदद करेंगे ही करेंगे, ताकि उसको उसके पति से सुरक्षित कर सके हम। अरे भाई, तुम चाहे कितनी भी दलीलें क्यों ना दे दो, लेकिन हमारा ये मानना है कि रिया का यहाँ रहना सही नहीं है। रिया यही रहेगी बाबा, जब तक उसका उसके पति के साथ तलाक नहीं हो जाता। और ये हमारा आखिरी और ना बदलने वाला फैसला है। चाचू, संजीव, आप दोनों कानून के जानकार हैं, करिए कुछ, मदद करिए रिया की उसके डिवोर्स के लिए। ऐसा कुछ करिए ताकि जल्द से जल्द उसका डिवोर्स हो और रिया नाम की बला इस घर से टले। हमको पता था कि हमारे राजीव बाबू हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और भलाई का साथ देंगे।